हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 2018, यानी जो अपन 2018 का पेपर डिस्कस कर रहे थे उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसमें ए और बी पार्ट है वो इसका अपन डिस्कस कर चुके थे। आज इससे रिलेटेड अपन जो सी पार्ट है वो इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट करते हैं अपने इसकी एक न्यू क्वेश्चन से। और आपका न्यू क्वेश्चन है 16, और यह है आपकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। भी आपका जो अष्टफलकीय संकुल का निर्माण किया जाता है तो उसमें जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है वो किस तरह से होता है उसके बारे में जो क्वेश्चन है वो किया गया है। देखिए, सबसे पहले बात करिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो जो CFT थ्योरी है उसके द्वारा क्या किया जाता है कि आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनको ऊर्जा दी गई, और फिर क्या होता है जैसे ऊर्जा दी जाती है डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ती है, और डी कक्षकों की जैसे ही ऊर्जा बढ़ती है ये कक्षक क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। जिसमें क्या बताया गया है कि इसमें अपन बात करें कि अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया गया है तो क्या बताया कि यहाँ पर जो आपका डी ऑर्बिटल है वो क्या होगा, किसी 6 ऐसे लिगेंड के साथ जुड़ेगा या 6 ऐसे दाता है वो इसके साथ जुड़े रहेंगे और अष्टफलकीय संकुल का निर्माण करेंगे। यहाँ पर 6 डोनर हैं, वो किसी के भी आपके एलिमेंट्स के हो सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के हो सकते हैं, और वो क्या करेंगे आपके डी ऑर्बिटल के साथ अष्टफलकीय संकुल संरचना का निर्माण करेंगे। जिसमें बात करें कि मान लो आपका डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होता है, तो डी ऑर्बिटल जैसे ही स्प्लिट होगा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि सामान्यतः यहाँ पर ये स्प्लिट होकर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। अब जो दो भाग विभाजित होते हैं उनके बारे में क्या बताया गया है कि सामान्यतः ये दो भाग हैं वो आपके EG और T2G, आपका जो ऑर्बिटल होगा इस ऑर्बिटल के अंदर क्या हो जाता है आपका डिवाइड हो जाता है, कि इन दो भागों में विभाजित हो जाएगा। जिसमें बात करें कि सामान्यतः ये आपका जो T2G होगा ये आपका लो एनर्जी लेवल होगा, कैसा होगा लो एनर्जी लेवल, और ये आपका होगा हाई एनर्जी लेवल, कि यहाँ पर उच्च ऊर्जा के कक्षक हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें बात करें कि आपका इजी ऑर्बिटल है, अब इसमें कौन कौन से कक्ष शामिल हैं तो अपन देखिए बात करें कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें अपन ने देखा कि 6 लिगेंड आकर क्या करेंगे सेंट्रल मेटल के साथ या डी ऑर्बिटल मेटल है उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और अष्टफलकीय संरचना बनाते हैं। तो अष्टफलकीय संरचना के मतलब क्या है कि यहाँ पर लिगेंड इसमें 3 डायमेंशन रूप से क्या करेंगे आकर इस सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि जो 5 जो आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके अपन देखिए जो आपका डी ऑर्बिटल डिवाइड होगा वो कितने कक्षकों में होगा, 5 कक्षकों में, जिसमें बात करें आपका DXY, DYZ, DXZ, और फिर बात करें DX²-Y² और DZ²। देखिए ये जो 5 एनर्जी लेवल्स जो मैंने लिखे हैं जनरली इनको एक्सप्लेन किया जाए तो यहाँ पर ये जो हैं लो एनर्जी लेवल होंगे आपके। लो एनर्जी का मीन है यहाँ पर ये कौन से कक्षक होंगे, T2G वाले। और इसी तरह से बात करें कि DX²-Y²DZ², तो ये आपका कैसा होगा, हाई एनर्जी लेवल होगा, और ये कौन सा होगा इजी जो ऑर्बिटल है ये आपका ये वाला देखने को। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे
वो क्या करेंगे, थ्री डायमेंशन रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे। अब देखिए थ्री डायमेंशन रूप से व्यवस्थित होने का मतलब है कि ये सब क्या होंगे, एक्स वाई और जेड जो तीनों अक्ष हैं, इन तीनों अक्षों पर क्या हो जाएंगे आपकी व्यवस्थित हो जाएंगे। जहाँ तक बात करें आपके ये जो तीन ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, ये तीनों ही क्या हैं आपके एक्स वाई जेड जो एक्सिस है ये इनके बीच में स्थित होंगे। किस तरह से होंगे कि बीच में, कि भाई आपका जो जैसे आपका ये ऑर्बिटल की बात करें तो जैसे मैंने एक आपका ये एक्स बना दिया, ये वाई एक्सिस बना दिया, तो ये क्या होंगे, ये ऑर्बिटल इनके बीच में स्थित होंगे। जबकि बात करें यहाँ पर अपने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ऑर्बिटल हैं वो मुख्य अक्ष पर क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। यानी ये इस तरह से कि आपका जो ये मेन एक्सिस है ये उसके ऊपर, जैसे ये मैंने लिख दिया आपके जेड लिख दिया, ये आपके वाई लिख दिया, तो यहाँ सॉरी एक्स और वाई लिख दिया, तो यहाँ पर ये क्या है, मुख्य अक्ष पर क्या होंगे आपके, व्यवस्थित होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से क्या है, एनर्जी लेवल का डिवाइडेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो थी एक जनरल बात। अब देखिए अपन इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के द्वारा अपने इसको एक्सप्लेन करते हैं कि भी ये ऑर्बिटल किस तरह से स्प्लिट हुआ, किस तरह से विपाटित हुआ और इसमें जो एनर्जी लेवल्स हैं वो किस तरह से व्यवस्थित होंगे। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, इजी लेवल ऑर्बिटल है वो कैसा होगा, हाई एनर्जी लेवल, और टी टू जी होगा आपका लो एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर देखिए मैं इसी से रिलेटेड आपका ऑर्बिटल बना देता हूँ। यहाँ पर तो ये देखिए ये आपका डी ऑर्बिटल है। मैं देखिए यहाँ पर इसको ये जो कक्षक हैं इनको यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा, आपको सीधा याद रखना है कि पांच डी ऑर्बिटल हैं और पांचों जो पहले लिखी थे आपके वही यहाँ पर व्यवस्थित होंगे। अब देखिए सबसे पहली चीज़ यही लिखी है कि हाई एनर्जी वाले कौन से लेवल होंगे, इजी वाले, और लोअर एनर्जी वाले आपके कौन से होंगे, टी टू जी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ये कैसे हो जाते हैं आपके टी टू जी ऑर्बिटल। फिर बात करें कि जैसे ये विपाटित होते हैं इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप कह दें या आपके आपके मध्यमान कह दें, तो ये इसका ऊर्जा अंतर कहलाता है कि दोनों के बीच का, यानी औसत ऊर्जा अंतर बोल सकते हैं अपन इसको, दोनों लेवल के बीच का हो गया इसलिए इसको औसत ऊर्जा अंतर अपन ने बता दिया। और यहाँ से यहाँ का जो मान होगा वो क्या होगा आपके डेल्टा ज़ीरो, या फिर दूसरा कह सकते हैं टेन डी क्यू। तीसरी बात यहाँ पर ये जो ऊपर वाला एनर्जी लेवल होगा प्लस 0.6 डेल्टा ज़ीरो, यहाँ पर बात करें माइनस 0.4 डेल्टा ज़ीरो, तो ये भी मान है वो आपके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है उसको एक्सप्लेन करने के अंदर ये काम में आता है कि भी क्यों आपके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक हुआ है और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भी इसमें ये ऑर्बिटल आपके इस तरह से व्यवस्थित होंगे। ये जनरल एक्सप्लेनेशन था आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझेंगे कि भाई ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से इसमें फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपको मेन चीज़ें तो मैंने आपको पहले यहाँ पर बता दी हैं, अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि एग्ज़ाम्पल की बात करें तो यहाँ पर दो तरह के एग्ज़ाम्पल हैं एक ही सेंट्रल मेटल लेके। तो पहला एग्जाम्पल आपका CuH2O का होल सिक्स प्लस टू,
दूसरा आपका Cu H2O का होल सिक्स, सॉरी NH3 का होल सिक्स प्लस टू। अब यहाँ पर बात करें कि दोनों के अंदर अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर बात करें तो जो आपका H2O लिगेंड है ये आपका क्या है, एक तरह का आपकी वीक लिगेंड है। कैसा आपका वीक लिगेंड है। और दूसरी बात करें कि जो आपका सेकंड कॉम्प्लेक्स इसी से रिलेटेड लिया है कि NH3 है, वो क्या है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये कैसा है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आपका उपस्थित होता है तो इसके लिए आपकी जो डेल्टा का मान है वो क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर डेल्टा का मान जिसके लिए ज़्यादा होगा कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, स्टेबल बनेगा, उतना ही स्थायित्व वाला देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर बात करें H2O है वो वीक लिगेंड है और वीक लिगेंड की वजह से यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो कैसा होता है, दुर्बल प्रकृति का होता है, मतलब यहाँ पर स्थायित्व कम देखने को मिलता है। और ख़ास यहाँ पर अपन बात करें कि जैसे जैसे आपके डेल्टा का मान बढ़ता चला जाएगा कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। अपन इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपके कॉपर का जो जलीय विलयन बनाया गया है, अगर अपन इसमें आपकी अमोनिया मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि अमोनिया है वो क्या करेगी, जितने भी कॉपर के साथ H2O मॉलिक्यूल है इन सभी मॉलिक्यूल का क्या कर देती है, प्रतिस्थापन कर देती है। प्रतिस्थापन का मतलब है इसको रिप्लेस करके कॉपर के साथ ये आपका उपसहसंयोजक बंध बनाएगी। और साथ में देखें कि जब कॉपर का H2O आपके कॉम्प्लेक्स बनता है तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपकी कलर है ये आपको येलो कलर का दिखाई देगा। कैसा होता है येलो कलर, लेकिन जैसे ही आपकी अमोनिया मिलाई जाती है ये आपका डार्क ब्लू कलर के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसा हो जाएगा, नीले कलर में क्या होता है, बदल जाता है। और इस तरह से क्या है कि किसी भी संकुल आयन के अंदर आपके क्या किया जाता है, अष्टवलकीय संकुलों को व्यवस्थित किया जाता है। अब देखिए यहीं पर इसी का दूसरा कंसेप्ट और समझ ले। ये तो अपन ने किसके लिए लिखा था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अगर यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता तो ये जो आपका डायग्राम अभी बना हुआ है ये जस्ट क्या हो जाता, इसके उल्ट। कैसा कि भाई जो T2G अपन लिख रहे थे ये अब T2 हो जाएगा और T2 ऊपर की ओर होगा और आपका AG है अब इसको E और आपके ऑर्बिटल बोलेंगे और E ऑर्बिटल क्या होगा, नीचे की ओर व्यवस्थित हो जाएगा। साथ में बात करें कि यहाँ पर क्रिस्टल फील स्टेबलाइजिंग जो एनर्जी है उसका मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। मतलब यहाँ पर ये जो अपन मान लिख रहे हैं कि 0.6 डेल्टा जीरो, तो इसका मान भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब ये मान पहले आएगा और ये वाला मान बाद में आएगा। और जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है इसके बीच का, जैसे अभी अगर ऑक्टाहेड्रल के लिए बात करें तो वो प्लस लेकर करते हैं, मतलब दोनों एनर्जी आपके T2G और EG जो ऑर्बिटल हैं वो आपस में जुड़ेंगे। और ये आपकी एनर्जी हमेशा अपन ने कहा है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये आपका ऋणात्मक वाला मान प्राप्त होता है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर भी यही चीज़ होगी, बस इतना अंतर है कि एनर्जी जो लेवल है उनमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से है वो इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी बता सकते हैं कि इनमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। फिर कोई कॉम्प्लेक्स लेकर उसके एग्जांपल से अपन क्या कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी CFT की बात करें तो CFT जो है वो मेनली आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन देती है और इसकी एक एक प्रॉपर्टी को बताती है कि इसमें कलर किस तरह से बनाया जाता है, इसमें जो चुंबकीय गुण हैं वो किस तरह से प्रदर्शित किए जाते हैं, इसमें स्पिन किस तरह से होगा, स्पिन के लिए आपके कौन कौन से ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं,
आपका जो चुंबकीय क्षेत्र अगर लगा रहे हैं तो किस तरह से अंतर आता है। साथ में बात करें किस तरह से जो एनर्जी है वो बनाई जाती है, किस तरह से कॉम्प्लेक्स जो स्टेबल हो रहा है वो भी इस द्वारा क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। और साथ में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, इसका भी एक्सप्लेनेशन CFT से आसानी से किया जा सकता है। और मेनली आपको अगर एक शॉर्ट टाइप में भी अगर याद रखना हो कि भाई किस चीज़ के लिए CFT जो एक्सप्लेनेशन देती है, तो यहाँ पर आपको जो कलर प्रॉपर्टी है कि भी किसी भी कॉम्प्लेक्स में कलर किस तरह से होगा, उसका एक्सप्लेनेशन आपके CFT द्वारा आसानी से किया जा सकता है। प्लस आपका लिगेंड कि भी लिगेंड यहाँ पर किस तरह से उपस्थित है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, उसका भी एक्सप्लेनेशन CFT द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो ये था आपके 16 क्वेश्चन जिसमें अपन ने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अपन ने डिस्कस की। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपकी बात करें इसी से रिलेटेड है कि यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो दे रखा है आपकी आपकी μs और आपकी μ इफेक्टिव, इनके बीच का संबंध बताया गया है। तो देखिए बात करें कि ये जो संबंध है ये एक तरह का अपन कहते हैं प्रभावी संबंध कह सकते हैं कि डोमिनेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, संकुल के अंदर अपन जो आपके अपन युग्मन स्थिरांक की बात करें या किसी ऑर्बिटल के लिए जे के मान की बात करें कि यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण कितना उत्पन्न किया जाएगा, किस तरह से होगा, किसके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर बात करें जो चुंबकीय आघूर्ण है वो दो तरीके से किसी भी ऑर्बिटल के लिए आपके कह देंगे कोणीय संवेग बनाया जाता है। तो एक तो होता है आपका ऑर्बिटल के द्वारा कि यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो बनाया जाता हो, दूसरा आपके इलेक्ट्रॉन के द्वारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम बनाया जाता हो। तो दोनों के द्वारा ही क्या किया जाता हो, जब आपका जो स्पिन प्रदर्शित किया, आपके एंगुलर मोमेंटम प्रदर्शित किया जाता है, तो उसमें किसी कॉम्प्लेक्स के लिए अपन बता सकते हैं कि इसके लिए जे की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर अपन बात करें तो अपन कहें कि भाई किसी भी संकुल के लिए जो आपके कक्षक द्वारा जो एंगुलर मोमेंटम बनाया जाता है, जनरली क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, नगण्य होता है। किसके लिए, आपके आपके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर ये क्या होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। इस दिशा में अपन बात करें यहाँ पर L और S के द्वारा जो आपका आपका एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होता है और इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही रखा जाएगा, ये स्वतंत्र रूप से क्या होता है, एक तो प्रभावी होता है। और इसको अपन क्या कर सकते हैं, एक निम्न फॉर्मूले से ये अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आपकी μf इक्वल्स टू अपन बात करें μs प्लस μl। यहाँ पर ये आपके स्पिन एंगुलर मोमेंटम द्वारा उत्पन्न आपका प्रेडा में आपके आघूर्ण है, दूसरा यहाँ पर बात करें ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, उसके द्वारा जो परिणामी आपके आपके आघूर्ण है वो उत्पन्न किया गया है, उसका मान होता है। यहाँ पर अपन क्या बता सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा या फिर इनकी वैल्यू रखकर कर सकते हैं। जैसे आपका आपके म्यू इफेक्टिव है, इसकी फॉर्मूले से लिख सकते हैं कि ये जो है 4s s प्लस 1 प्लस l। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो l प्लस 1 इसके द्वारा एक्सप्लेन, यानी ये फॉर्मूला है उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, प्रभावी जो चुंबकीय आघूर्ण है वो उत्पन्न किया गया उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन क्या बताया गया है
कि ये जो आपका मान है उसमें ऑर्बिटल के द्वारा जो आपका मान उत्पन्न किया जाएगा कि इसके द्वारा जो एंगुलर मोमेंटम बनाया जाता है लगभग क्या होता है आपका नगण्य होता है, यानी बहुत कम मात्रा के अंदर क्या होता है इसमें ये चीज़ देखने को मिलती है। अब इसका मुख्य कारण सुनिए, कारण क्या होता है कि जैसे जैसे आपके कक्षकों में ऑर्बिटल की संख्या बढ़ती है या किसी एलिमेंट में ऑर्बिटल की संख्या बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है नाभिक से आपके कक्षकों की दूरी क्या होती है लगातार बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है लगभग नगण्य हो जाता है। तो यहाँ पर इसके द्वारा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बनाया जाता है बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा? स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा कि इसके द्वारा इतना ही मात्रा में क्या किया जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न किया जाएगा। तो अब क्या बताया गया है, इस जो आपकी जो प्रभावी चुंबक के आघूर्ण के लिए जो ये अपन ने वैल्यू लिखी थी, ये जो समीकरण लिखा था, अब इसमें क्या आ जाता है थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसको अपन जो है म्यू इफेक्टिव अपन इससे कह सकते हैं या फिर म्यू एस, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर इसको अंडर रूट 4s s प्लस 1 bm के रूप में क्या किया जाता है इसको एक्सप्लेन किया जाता है, मतलब इसके द्वारा अपन इसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो ये जो वाला है ये स्पिन ओनली फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या कहलाता है आपका स्पिन ओनली फॉर्मूला। तो एग्ज़ाम में कई बार इसके बारे में भी पूछा गया है आपके कि स्पिन ओनली फॉर्मूला है वो क्या होता है कि जब किसी भी तत्व के अंदर या किसी भी संकुल के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पिन के द्वारा ही एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न किया जाता हो तो वो स्पिन ओनली फॉर्मूला कहलाता है, जिसको म्यू एस के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है और इसकी वैल्यू फोर अंडर रूट 4s s प्लस 1 आपके bm के रूप में एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं अपन न्यू इफेक्टिव है उन दोनों का आपके संबंध बता सकते हैं। साथ में देखिए ये किसके लिए है, तो सामान्यतः यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे आपका आपके बात करें Mn प्लस 2 मैगनीज के लिए, Fe प्लस 3 और एक और आपका एलिमेंट है कोबाल्ट प्लस 3। ये जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए क्या किया गया था स्पिन ओनली जो फॉर्मूला है उसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से देखने को मिलता है। तो ये आपके दो क्वेश्चन थे आपके इससे रिलेटेड। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड है, इसलिए मैं उसको आज इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो आपको खुद करना है, क्योंकि मैं प्रीवियस आपके जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसमें मैंने उसको डिस्कस कर दिया है। तो आई होप यू आज का जो वीडियो सेगमेंट था आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।